अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक पे बताऊंगा तो उसका टाइटल है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो एक अजीम शख्सियत रह चुके हैं। आज मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मौलाना मोहम्मद अली जौहर सबक। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू के बुलंद पाया अदीब, शायर और सहाफ़ी मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी का लिखा हुआ एक मजमून है। इस मजमून के मसनफ मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी बरसगीर के नाम और शख्सियत और अदीब है। इस मजमून में उन्होंने आलम इस्लाम की बरगजीदा शख्सियत मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खिदमतों और काफ़शों को खराज अकीदत किया है, जिसमें वो कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर बरसगीर के ममताज सियासी इल्मी बायदी शख्सियत है, जो 1878 को रामपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए। वालिद बचपन में इंतकाल कर गए, तब वालिदा भी अम्मा ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली जौहर को इब्तदाई तालीम व तरदीब पर ख़ास तवज्जो दी कि उनको एक कामयाब शख्स बनाने में कोई कसर बाकी ना रही। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हर एक मुस्लिम कौम के शेदाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सच्चे फिदाई थे, कॉलेज के ज़माने में ही उनकी शोहरत बढ़ने लगी। जब ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है दुनिया की, आई थिंक दुनिया की बड़े में बड़ी यूनिवर्सिटी है और महंगी भी होगी, ऑक्सफोर्ड गए तो वहाँ भी खूब नाम चमकाया। अपने बचपन से ही लिखने पढ़ने में दिलचस्पी लेते रहे, इल्मी तौर पर सहाफत भी की। कामरेड और हमदर्द जैसे अखबारें निकाल कर हिंदुस्तान के मज़लूम मुसलमान आवाम को हक आवाज़ को बुलंद करने के साथ साथ कौम में सियासी बेदारी को भी बेदार किया। अल्लाह ताला ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था, ख़ास तौर पर फारसी, अरबी, हिंदी और उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान पर भी इस तरह से दस्तरस हासिल रही कि जब वो बोलने लगते थे तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे। मौलाना साहब हक को सच कहने वाले, उसूल और इरादों पर अटल रहने वाले पक्के और सच्चे मुसलमान थे, जिसलिए उनको कई बार जेल की काल कोठड़ी में बंद होकर रहना पड़ा। वक्त के हुक्मरानों ने जब उनकी ज़ुबान पर चुप की मार लगानी चाही तो आपने अपने अंदर के एहसासात और जज्बात को शेर का रूप दिया और ऐसे अशआर कहे जिनमें आज़ादी, कौमी गैरत, कौमी एहसास सरफहरस्त रहा। मौलाना साहब कांग्रेस की जमायत के फाल रुकन भी थे, दुनिया की सैर सफर भी की और गोल मेज कॉन्फ्रेंस के में बरसगीर के अवाम को ख्यालत अंग्रेज हाकिमों तक उस अंदाज से पेश करके दिखाया जैसे कोई आतिश फशान पहाड़ फूट रहा हो। यूँ मौलाना साहब ने 52 साल की उम्र पाई और 4 जनवरी सन 1931 को अपने मालिक हकीकी से जा मिले। वफात के बाद आखिरी सफ़र में जो आरामगाह नसीब हुई वो भी मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में हेकल सुलेमान के पहलू में सुपर्द खाक हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनके भाई मौलाना शौकत अली जौहर की हिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।